आज हम राम मंदिर निर्माण की वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। करोड़ों भक्तों की आस्था की तस्वीर पहली बार आज तक के कैमरे पर कैद हुई राम मंदिर निर्माण की तस्वीर। तो कैसे बन रहा है रामलला का मंदिर, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अरविंद। राम भक्तों के सपनों के निर्माण की ये तस्वीरें हैं, सालों के इंतजार के खत्म होते लम्हों की ये तस्वीरें हैं। रामलला के मंदिर के निर्माण की ये तस्वीरें हैं। आज तक के कैमरे पर पहली बार देखिए राम मंदिर का निर्माण कार्य। टीवी इतिहास में पहली बार आखिर कैसे बन रहा है रामलला का भव्य दरबार। आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर आप पहली बार देखेंगे कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो है उसका निर्माण कैसे हो रहा है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो पूरा परिसर है, इसी परिसर में कामकाज तेजी से चल रहा है। हालांकि यहाँ पर सर्विलांस भी रखा जाता है, लेकिन देख पा रहे हैं काफी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। ये वो भूमि है जहाँ रामलला पहले विराजमान थे, ये वो भूमि है जहाँ रामलला का नया मंदिर निर्माण किया जाने वाला है। ये आस्था का गढ़ है, ये करोड़ों राम भक्तों के संघर्ष का फल है। इसी परिसर में गर्भगृह है, इसी परिसर में पहले रामलला टेंट में विराजमान थे, जिनके लिए अब भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। रामलला विराजमान यहाँ पर थे? बिल्कुल रामलला विराजमान यहीं थे, विवादित परिसर यहीं पे था, यहीं गर्भगृह है और इसी पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा अपनी टीम के साथ गर्भगृह के पास पहुँचे जहाँ पर मंदिर की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही थी। मंदिर निर्माण की वजह से रामलला को अस्थायी रूप से पास में शिफ्ट किया गया है। राम मंदिर का मॉडल जितना भव्य है, वहीं मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं रहा। कई चुनौतियों के बाद ये काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए जब 200 फीट नीचे के मिट्टी की जाँच की गयी तो पता चला वहाँ की मिट्टी बलुआ है, यानी सिर्फ पत्थरों से बनने वाले राम मंदिर के भार को उठाने के लिए जिस तरह की मिट्टी की दरकार थी वो मिट्टी वहाँ नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई और तकनीक में बदलाव किया गया। ये राम जन्मभूमि परिसर है, यहीं पे जो है पहले ये व्यवस्था की किसी बोर करके पिलर बनाया जाए, लेकिन वो फेल कर गया था। अब पूरी जमीन को जो है 50 फीट नीचे खुदाई कर दी गई है और जो आप जहां रोलर चलते हुए देख रहे हैं ये गिट्टियां डाली जाती हैं 12 यानी 1 फुट की, फिर उसको प्रेस कंप्रेस किया जाता है उसी रोलर से और 2 इंच उसकी कंप्रेस होने के बाद 10 इंच उसकी लेयर बनती है। तो अब तक 7 लेयर पड़ चुकी है। अब इसी तरह का ऊपर 50 फुट तक जाना है, इसके बाद ये जमीन का पूरा फाउंडेशन कंक्रीट का तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर तब मंदिर का हिस्सा शुरू होगा। ये वही क्षेत्र है जिसे लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। यहीं पर बाबरी मस्जिद थी जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया और मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। जो विवादित मस्जिद थी वो भी इसी इलाके में? बिल्कुल विवादित मस्जिद इसी इलाके में थी। मस्जिद के डिमोलिशन के बाद यहीं पे जो है राम परे गर्भगृह हुआ करता था, अब गर्भगृह को सिर्फ करके अस्थायी मंदिर में तब्दील कर दिया गया है और इस पूरी जमीन पे जो है राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं राम मंदिर निर्माण, इसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और इसी पूरे परिसर में जो राम मंदिर है उसका निर्माण होगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं पर भूमि पूजन किया था, जिसके बाद मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आई। मंदिर का काम जितनी तेजी से चल रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। जो पूरा परिसर है बहुत पहले से ये सुरक्षा घेरे में है। पूरा जो ये जो परिसर है इसकी बैरिकेटिंग की गई है तारों से, लोहे से, और पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर निर्माण का काम है वो शुरू किया गया है। देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था भी अगर आप यहाँ पर देखें तो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं और 24 घंटे इस पूरे इलाके का, इस इलाके को सर्विलांस में रखा जाता है। मंदिर परिसर के बाहर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज तक के कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जो आने वाले कुछ वक्त में भव्य मंदिर में तब्दील होने वाली हैं। ये तस्वीरें कई सालों का इंतजार खत्म करने वाली हैं। आज जहां मशीनों का शोर सुनाई दे रहा है, वहां जल्द ही राम नाम के जयकारों की गूंज होगी, मंदिरों के घंटों की आवाज होगी, भक्ति में डूबे श्रद्धालु होंगे, राम भक्तों की भीड़ होगी। अरविंद ओझा के साथ बनवीर सिंह, अयोध्या आज। मंदिर निर्माण का मॉडल तैयार है जिसके हिसाब से मंदिर बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर बनाने तक जो संघर्ष देखा गया वो अब भव्यता में तब्दील होने वाला है।
कैसा होगा रामलला का दरबार, आइए आपको दिखाते हैं। अब हर राम भक्त की एक ही इच्छा है, मंदिर इतना भव्य बने कि इसका कोई जोड़ ना हो, इसमें अद्भुत वास्तुकला के दर्शन हो और हर एक ईंट को राम भक्ति। आज हमारे पास वो 7 तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर राम भक्त का मन प्रसन्न हो जाएगा। भविष्य में साकार होने वाले राम मंदिर की भव्यता इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हम एक एक करके इन तस्वीरों के जरिए राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहली तस्वीर, ये तस्वीर मंदिर के मॉडल के ठीक सामने की। राम मंदिर की भव्यता को निहार लीजिए, इसके प्रांगण को देखिए। पूरे मंदिर का प्रांगण एक विशाल चबूतरे पर होगा, सफेद संगमरमर से चबूतरा बनाया जाएगा। मंदिर का बाहरी आवरण गुलाबी रंग का होगा, राजस्थान से लाए गए खास पत्थरों को तराश कर बनाया जाएगा। अब टॉप एंगल से दूसरी तस्वीर देखिए, राम मंदिर की भव्यता और बेजोड़ डिजाइन इसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मॉडल में 5 मंडप और 1 शिखर होगा, शिखर के ऊपर ध्वज होगा और कम से कम 17 छोटे मंडप होंगे। तीसरी तस्वीर मंदिर के दक्षिण तरफ से ली गई है, शिखर और सामने के 3 मंडप एक सीध में है। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाए गए खास तरह के स्तंभों यानी खंभों पर खड़ा। चौथी तस्वीर में मुख्य मंदिर को करीब से देखिए, इस तस्वीर में मंदिर के मॉडल को पीछे से देख सकेंगे, मुख्य मंदिर को रिंग की तरह घेरे हुए अलग अलग तल यानी फ्लोर देख सकेंगे। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट हो। पांचवी तस्वीर में मंदिर के मॉडल को और करीब से देखिए, इसमें चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी दिख रही है। मंदिर के 3 तरफ ऐसी ही सीढ़ी बनाई गई है, हर सीढ़ी में 25 पायदान बनाए गए हैं। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर अट्टालिकाएं बनाई गई हैं। राम मंदिर के शानदार मॉडल के बाहरी आवरण को निहारने के बाद अब आपको अंदर की भव्यता के दर्शन होंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन शिल्प कला का नमूना है। जब मॉडल के अंदर का हिस्सा देखेंगे तो त्रेता युग और वैदिक परिवेश की भावना जागृत हो जाएगी। छठी तस्वीर में पहले मंडप के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है, तराशे गए स्तंभ, अद्भुत नक्काशी आपको नजर आएगी। मंदिर की सजावट के लिए हर हिस्से पर खास तरह की नक्काशी की गई है, ये भारतीय शिल्प कला का हस्ताक्षर है। सातवीं तस्वीर में आप दूसरे मंडप के अंदर के हिस्से को देख पा रहे हैं। मंडप के अंदर की शिल्प कला अद्भुत है, खास तरह की नक्काशी के 15 घेरे बनाए गए हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ये महीन कारीगरी किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी। मंदिर के 200 से ज्यादा स्तंभ होंगे, प्रांगण में खास तरह का सफेद संगमरमर लगेगा। मंदिर 10 एकड़ के क्षेत्र में होगा, जबकि 57 एकड़ के क्षेत्र में मंदिर का परिसर होगा। इसे बनाने के लिए राजस्थान से खास तौर पर पत्थर लाए गए हैं। ईंटों और पत्थरों के हर हिस्से पर श्री राम का नाम उकेरा जाएगा। सुझाव होगा कि वो गर्भगृह में वो उस तरह के पत्थर लगाएं, कसौटी पत्थर लगाएं, ताकि पुराने मंदिर की याद आ जाए। और नीचे का जो भगवान का गर्भगृह है उसका पूरा डेकोरेशन भी हो जाएगा। अच्छा। सोना से बनाना चाहेंगे, सोने का हो जाएगा। और दूसरी बात की जब उस समय गोविंद चंद्र राजा थे, उनके गवर्नर अनय चंद्र ने बनाया था, उसकी झांकी ला दें और अच्छा रहेगा, सोने का काम कर दें। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं और फिर जल्द ही रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लाखों करोड़ों भक्तों की सालों पुरानी मनोकामना। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सभी राम भक्तों के मन में सवाल है कि आखिर मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा, कब रामलला के भक्त मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इसके लिए पूरा खाका जल्द तैयार होगा और जल्द ही वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला के मंदिर में घंटों के साथ जयकारों की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या तैयार है, मंदिर निर्माण जारी है और भक्तों को इंतजार बस उस पल का है जब भव्य राम मंदिर का सपना साकार रूप में उनके सामने होगा। सरयू के किनारे जब राम मंदिर से रामलला की जय की गूंज उठेगी तो पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भाव में डूब जाएगी। रामलला का वो मंदिर जिसके विराट रूप की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, उसका मॉडल ऐसा बनाया गया है जो भी एक बार देख ले राम मंदिर उनके मन में रच बस जाए। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का काम अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से निर्माण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें भव्य मंदिर का ढांचा तैयार करने के लिए
पत्थर लगाने का काम किया जाएगा। समर में मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों को लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। राम जन्मभूमि में ही इन पत्थरों को काटने और तराशने का कार्य किया जाएगा। पहले अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर को 2 मंजिला ही रखने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे और विशाल रूप देने के लिए 3 मंजिला कर दिया गया है। लला का भव्य मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जो भक्तों को काफी दूर से भी साफ नजर आएगा। मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट तक होगी और चौड़ाई 272 से 280 फीट के आसपास होगी। मंदिर के नए नक्शे में 5 गुंबद बनाए गए हैं, जो इसके स्वरूप को और शानदार बनाते हैं। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई वाली 50 फीट गहरी नींव में निर्माण सामग्री के 10 इंच मोटाई वाले मिश्रण की 50 परतें बिछाई जाएंगी। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने भूमि पूजन के बाद 3.5 साल का लक्ष्य रखा है। शुरुआती 1.5 साल में मंदिर का भूमि तल तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 सालों में ऊपरी दोनों तलों पर निर्माण कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा है। इस तरह से 3.5 साल में मंदिर के शिखर तक के काम को पूरा कर लेना है। देश भर में जिन जिन जगहों पर शिला पूजन हुआ है, उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के कार सेवक पूरम में बनाई गई कार्यशाला में जो पत्थर तराश कर रखे गए हैं, उनका भी इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में होगा। इन शिलाओं और पत्थरों के अलावा भी अयोध्या के कार सेवक पूरम में हजारों हजार की संख्या में ईंटें भी रखी हुई हैं, जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के तौर पर यहां पर रखा है। राम मंदिर के निर्माण का जो 3.5 साल का टारगेट ट्रस्ट ने रखा है, उससे तो यही लग रहा है कि साल 2024 में होने वाली रामनवमी तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और श्रद्धालुओं को श्री राम लला विराजमान के दर्शन करने का मौका मिल सकेगा।